सावन के आखिरी सोमवार के दिन सांसद मनोज तिवारी गिरिडीह में कार्यक्रम खत्म कर देर शाम देवघर बाबा मंदिर पहुंचे, जहां बाबा बैद्यनाथ का जलार्पण किया। उसके बाद रात्रि में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान मनोज तिवारी ने झारखंड में यूपीए की गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में अब जनता फिर से बीजेपी की मांग पुरजोर लगाकर कर रहे हैं। यह यूपीए के गठबंधन की सरकार सिर्फ लूट और खसोट में लगी हुई है, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। उसके साथ ही ईडी के द्वारा अगर मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है तो उसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि पूछताछ में उनकी मदद करनी चाहिए। अगर वह जांच में दोषी पाए जाते हैं तो कोई बचा नहीं सकता, और अगर वह निर्दोष हैं तो कोई फंसा नहीं सकता। और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है और आगे भी मोदी सरकार ही जनता की पहली पसंद है। जहां से भी गुजरते हैं वहां मोदी मोदी के और हर हर घर मोदी, घर 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 मोदी के नारे लगाते हैं। जनता का खूब प्यार मिल रहा है, जिससे 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। हम जब आज रास्ते में गिरिडीह से आ रहे थे तो बीच में हम कई जगह रुके भी, बुढ़ई भी रुके, वहाँ चाय पिया, 300-400 लोग घेर लिए, तो हम पूछ भी दिए भैया क्या है आप लोगों का, तो सब जो है वो घर घर मोदी, हर हर मोदी कर रहे थे सभी। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री देश के हो गए हैं। देखिए, दिल्ली एक राज्य है और फिर दिल्ली एक देश की राजधानी है, तो देश की राजधानी दिल्ली की जो सरकार केंद्र की बनती है उसमें तो हमें बड़े ऐतिहासिक मतों से, अभी हम लोग 303 भाजपा के लोग हैं पूरे देश में, 272 बहुमत का आंकड़ा है, हम एनडीए 354 है, तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा एनडीए का 400 के आसपास जा सकता है और बीजेपी अकेले भी 350 के आसपास पहुंच सकती है, ऐसा हमें लोगों के भाव से दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।